दो तीन महीने से ना हमारी जो जिंदगी है वो बिल्कुल टट्टी जैसी हो गई है। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। बड़े दिनों बाद हमारे चैनल पर एक नया वीडियो आया है, तो मुझे पता है कि आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल कितना ऊपर होगा जितना मेरा है। और एक और छोटी सी बात कहना था, मेरे चैनल पर 10,000 परिवार होने जा रहा है, मतलब 10,000 लोगों का परिवार होने वाला है, मात्र 200 लोग और बाकी हैं। सो प्लीज़ वीडियो को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और भाई को यार प्लीज़ उस लाइक बना दो, ठीक है। और इसके अलावा मैं जा रहा हूँ आज शहर, मुझे जाने का मौका बड़ी मुश्किल से मिला है क्योंकि तबीयत ख़राब था, मैं नहीं जा पा रहा था, लेकिन आज बड़े दिनों बाद मुझे शहर जाने का मौका मिला है। सो मैं जा रहा हूँ शहर, और शहर में छोटा सा काम है मुझे, तो मैं सोचा क्यों ना मोटो ब्लॉग हो जाए एक छोटा सा, आप सभी लोगों के साथ थोड़ा सा माहौल वगैरह देखा, समझ सकते हो यार आप लोग प्लीज़। बड़े दिनों बाद मैं निकल रहा हूँ, तो मैं सोचा हूँ कि क्यों ना आप लोगों के साथ निकलूँ, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट कर देना। और ये जो सामने शीशा देख रहा हूँ ना, ये मैं भेड़ाघाट से लेकर के आया था और अभी तक वीडियो में नहीं आया था ये, तो मैं सोचा आज क्यों ना इसको ला दूँ। वैसे यहाँ पर टूट गया और ये चाबी घर का, ठीक है, चलो चलते हैं, बाय बाय। ये हमारा रजही, ये देखो भीड़, ये बाज़ार लगा हुआ है, यहाँ पे कोरोना का कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब मेरे उसके पास ला। हाँ सो हे लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, दिस इज योर राहुल एंड यू वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल यार के ब्लॉग में तेंजर ब्लॉग के साथ। सो शाम के करीबन 5:30 बज रहा है और मैं जा रहा हूँ शहर। शहर में मुझे ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस ये मरकरी है और एक और इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसी को एक्सचेंज कराना था, गारंटी पे था, ये खराब हो गया था, तो मैं सोचा क्यों ना एक्सचेंज करा दूँ। और इसी बहाने आप लोग को थोड़ा सा ताज़ा कर दें, मतलब बड़े दिनों बाद हमारे चैनल पर एक अच्छा सा राइडिंग वाला वीडियो आ रहा है, तो हम सोचे भाई इसी बहाने एक वीडियो भी बन जाएगा, तो चलो फिर चलते हैं। मौसम तुमको क्या बताएं कि तुम मेरे लिए आज के दिन क्या कर दिए। आज के दिन मेरे पास अगर कैमरा होता, चाहे एक्शन कैमरा होता, तो यार कसम से कह रहा हूँ एक नंबर मज़ा आता। बहुत सारे ऑफ रोड मैंने सोच करके रखा था कि इस मौसम में, इस बरसात के मौसम में कितने सारे वीडियोस बनाऊंगा, मैं ऑफ रोड की वीडियो बनाऊंगा, जंगल में जाऊंगा, तमाम राइडिंग करूंगा, लेकिन सारा का सारा धरा रहेगा सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से। तो कोरोना भैया प्लीज़ चले जाओ, तुम प्लीज चले जाओ। तो ये आ गए हम नंदा नगर, महायोगी गोरखनाथ सिविल टर्मिनल गोरखपुर, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी मैं आपका भी करता हूँ साहेब, आपका भी करता हूँ, हमारे सब्सक्राइबर 10,000 करा दो बस। दो तीन महीने से ना हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल टट्टी जैसी हो गई है, मतलब यार मैं जो भी कुछ सोच रहा हूँ करने के लिए वो सारा का सारा धरा रह जा रहा है। अभी देखो मैंने गोप्रो ऑर्डर करने के लिए सोचा था, तो गोप्रो मैं ऑर्डर भी कर दिया था रिलायंस डिजिटल से, लेकिन वहाँ पे 50% ऑफ चला था, तो मैं सोचा उसको ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन जब मैं ऑर्डर करने गया तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। फिर वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि भाई तुम लखनऊ या कानपुर या फिर इलाहाबाद से ले लो, यहाँ पर अभी भी 50% ऑफ चल रहा है। यार लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में तो मेरा कोई नहीं है, लेकिन लखनऊ में ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना वहीं से ऑर्डर करा लूँ, तो पता चला वहाँ पर भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब यार हमको पूरा पैसा दे करके गोप्रो वाला गोप्रो दिला के ही रहेगा, ठीक है। तो हम आ गए दुकान पे, बस हाँ लिखा है उस पे आपका दुकान का नाम, देखो ये शीशा है ना ऊपर, प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी। तो हमारा काम हो गया यहाँ का, उसको वापस कराना था, अब चले थोड़ा तेल डलवा लें।
एक्चुअली क्या है कि मेरे को वीडियो डाले करीबन हो गया एक दो महीना हो गया, और एक दो महीने में मैं अपने काम को बिल्कुल भूल चुका था। मतलब यार मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी काम शुरू करते हो, ठीक है, तो आप उसको हमेशा जारी रखो, हमेशा उसको जिंदा रखो, वरना आप एक दिन उसको भूल जाओगे और आपका काम जो है वो 50% बेकार हो जाएगा। जैसे कि मैं अपना ब्लॉगिंग पहले करता था तो मेरे को हर जगह आदत हो चुकी थी, पब्लिक में ब्लॉग करना, कहीं भी ब्लॉग करना, मैं कहीं भी शुरू हो जाता था। लेकिन अब मैं जब स्टार्ट किया तो मेरा काम जो है वो हमेशा आधा अधूरा रह जाता था। मतलब यार अजीब अजीब सा बहाना मिल जाता था मुझे कि यार आज वीडियो नहीं करेंगे, आज ऐसा नहीं करेंगे, आज वैसा नहीं करेंगे, आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास वो नहीं है। लेकिन यार मैं ये एक दिन सोचा कि यार मेरे पास 10,000 सब्सक्राइबर फ़ोन से ही तो हुए हैं, तो मैं सोचा भाई अब तो किसी ना किसी हालत में शुरू करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फाइनली मेरा काम हो गया और अब मैं निकल रहा हूँ घर। बस थोड़ा सा काम था, ये मरकरी था, इसी को वापस करना था, बस अब मैं निकल रहा हूँ घर। फिलहाल प्लानिंग कुछ चल रहा है हमारा राइडिंग के लिए, जो गियर्स जितने भी ब्लॉगिंग गियर्स, मोटो ब्लॉगिंग गियर जो मेरा है वो सारे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, जैसे कि ग्लव्स हो गया, शूज़ हो गया, शूज़ नहीं बूट कहेंगे उसको, बूट चाहे शूज़ ही कहेंगे, शूज़ हो गया, जैकेट हो गया, गोप्रो हो गया, ये सारा कुछ मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। अब देखते हैं कब तक इकट्ठा हो जाता है, कोशिश करूँगा कि इसी एक दो महीने में वो सारी चीज़ें मेरे पास हों जिससे मैं अच्छा खासा बढ़िया से बढ़िया मोटो ब्लॉगिंग कर सकूँ, क्योंकि मेरा पहला राइड होगा अयोध्या का, और कब होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। मेरा पहला राइड होगा अयोध्या का, जो राम मंदिर अभी बन के तैयार हुआ है उसी का राइड है, तो वहाँ तक मैं जाऊंगा, फिर वहाँ से कोशिश करूंगा आगे का या फिर तो लौट आऊंगा, उसके बाद का राइडिंग मेरा कंटिन्यू हो जाएगा, मैं लगातार राइडिंग करूंगा। अब देखते हैं कब ये सारी चीज़ें होता है, भगवान करे कि ये जो लॉकडाउन है, ये जो कोरोना बीमारी है, जल्द से जल्द हमारे बीच से चला जाए, ताकि हम सब फिर से एक बार अपने कामों को अच्छे तरीके से कर सके। यहाँ पे काम हो रहा है, डिवाइडर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जमीन के अंदर वाला। लो भैया थोड़ा सा तेल डलवा ले। तो वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा काफी टाइम बाद हमारा वीडियो आया है हमारे चैनल पर, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को पसंद आए, और आगे का वीडियो भी हमारा कुछ इसी टाइप से आएगा, मतलब गाड़ी से रिलेटेड, राइडिंग से रिलेटेड, मोटो ब्लॉग से रिलेटेड ऐसे वीडियोज आएगा, ठीक है, और तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आए। तो फिलहाल आपका सिर्फ एक काम है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके अपना सुझाव देना है, और भाई को सपोर्ट करना है, जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर के लाइक बनाना है, ठीक है। सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो नमस्कार, खुदा हाफिज़, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहो, और दूसरों को भी खुश रखो, ठीक है, बाय बाय।